नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडे भक्तो? आज तो फूल सूज गई रहेगी रे तुम्हारी। क्या तुम्हारा जो फूल का था ना, वो फ्लावर बना दिया मुंबई पुलिस ने? हाँ, नहीं पता? अरे तुम्हारा बाप हो नया पप्पा अर्णब गोस्वामी, आज धक्का मुक्की हो गई उसके साथ। ओ बहुत गलत हुआ। अरे क्यों गलत खबर चला रहे हो सोशल मीडिया पे और यहाँ पे न्यूज चैनलों पे कि अर्णब गोस्वामी के साथ धक्का मुक्की की गई? नहीं रे, पागल है क्या? धक्का मुक्की नहीं की गई है, उसकी पिलाई हुई है तबीयत से। सुबह का भरपूर नाश्ता दिया गया है, सुबह 7:55 पे ही सर्व कर दिया है कि खा बेटा अभी तू, अभी ये नाश्ता है, फिर दोपहर का खाना आएगा, फिर उसके बाद में शाम का नाश्ता आएगा, फिर रात का मजबूत खाना आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है दिन की, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जिस तरह से अर्णब को उठाई गई है, क्योंकि दफा 306 के अंतर्गत आत्महत्या को उकसाने के प्रयास में 2018 के एक मामले में उठाया गया है, उसको देखते हुए एक हीरोइन है हमारी झांसों की रानी, उसकी पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया है, आ गई भौंकने। जरा देखिए क्या भौंक रही है। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्णब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है, कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना, कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने, हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए, कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है, अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे, क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं, अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते, गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना। आओ मेला बाबू, ऐसा बोलती कितनी अच्छी लगती रे बाबा। आपको हमारे मुख्यमंत्री, हमारी मुंबई पुलिस, आपको पेंगुइन लगती है, गुस्सा आता है? अरे नहीं रे, जैसे तेरे को पेंगुइन दिखाई देते हैं ना वो लोग, वैसे हमको तो कुतिया नजर आती है, कुत्ती। हम भी बोलते, बुरा लगा क्या तेरे को? ओ हो बेचारी, टेंशन मत ले, अर्णव के बाद तेरा ही नंबर है, अभी तो तू फड़फड़ा ले जितना है और जा उधर दरबारी लगा दिल्ली में। ये भी लगाता था रोज, दिल्ली के भरोसे उड़ता था इतना कि आएंगे बाप हमारे बचा लेंगे, उखाड़ लो ना अभी। और दूसरा, तुम भी तैयारी कर लो, जो भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं, नाश्ता वगैरह सब लेके तैयार रखो, कि बहुत जल्द तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। और ये मुंबई पुलिस है, कुछ भूलती नहीं है, आप जितना इनको दोगे उसका दुगना ये रिटर्न करती है, तो काहे अभी से पिलपिला रहे हो? कभी आइए तो सही, कब तक छुपोगे खंबे की आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाजार में। ये तो शुरुआत है अर्णव का, देख लीजिए राणावत जी, अगला नंबर जेसीबी, उखाड़ लो सत्यानाश। टेंशन नहीं, कुछ दिन है आपके पास, खुली हवा आराम से एंजॉय ले लो, उसके बाद है अर्णव के साथ में आप बैठ के उधर ही पूछता है भारत खेलते रहना। मुंबई को गाली दोगे, महाराष्ट्र को गाली दोगे और सोचोगे बच जाओगे। अरे तुम्हारे जैसे के ना पिछवाड़े झाड़ू डाल के ना मोर बना दिया जाता है इधर, बड़े बड़े आए रे तुम्हारा वो दाढ़ी वाला जिंगल बेल आके गया सेंटा क्लॉज, वो नहीं उखाड़ पाया तो तुम लोग सोचते हो इतना जम मार लोगे उसके भरोसे? करो करो, अच्छा है, हम लोग भी देखते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे बाप में कितनी औकात है। और मैं तमाम अंडे भक्तों से कहना चाहता हूं, सब पेले जाएंगे, आई रिपीट, सब पेले जाएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, मुंबई है, तबियत से स्वागत होगा। हम मुंबई पुलिस का खास तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं और सल्यूट करता हूं इस शानदार कार्यवाही के लिए, और मुझे आशा है कि आप इनके साथ धक्का मुक्की नहीं करेंगे, पूरा नाश्ता और पूरा खाना देंगे, क्योंकि आने के बाद ये पूछना चाहिए, पूछता है भारत, और उनको बताना पड़ेगा क्या कूटा था भारत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार,
किससे आई बिहार में बहार, कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार, कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी, छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर, दिखाएंगे हर खबर हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिन्नत टाइम्स।